मां बनने के 4 महीने बाद फिल्म की शूटिंग पर लौट आई है आलिया भट्ट। खास बात ये है कि शूटिंग पर उनके साथ नन्ही सी बेटी राहा भी गई है। मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट कलीना से आलिया भट्ट ने भरी है उड़ान। वो अगले 10 दिनों तक कश्मीर में अपनी फिल्म की शूटिंग करेंगी। आलिया भट्ट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। आलिया ने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखा है। आपको बता दें, कश्मीर में इन दिनों काफी बर्फबारी हो रही है और वहाँ करण जौहर अपनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक गाना शूट करने निकले हैं। इस सॉन्ग में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट बर्फ के बीच रोमांस करते दिखेंगे। वहीं सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात ये है कि इतनी बर्फबारी में आलिया अपनी 4 महीने की बेटी को लेकर कश्मीर रवाना हुई है। आलिया की बेटी राहा भी कश्मीर में शूटिंग लोकेशन पर अपनी मम्मी के साथ मौजूद होगी। आपको बता दें कि 1 मार्च से रणवीर सिंह और आलिया की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। करण जौहर, रणवीर सिंह और क्रू के दूसरे मेंबर्स पहले ही कश्मीर पहुंच चुके हैं। आज सुबह रणवीर सिंह को फंकी लुक में कश्मीर रवाना होते हुए देखा गया था। एयरपोर्ट पर रणवीर ओवरसाइज जैकेट और शेड्स में नजर आए। वहीं आलिया भट्ट भी 10 बजे के करीब कलीना एयरपोर्ट पर दिखी। बेटी के साथ कश्मीर पहुंची आलिया वहां प्राइवेट जेट से गई है। इस बार फिल्म के क्रू मेंबर्स खासे उत्साहित हैं क्योंकि सेट पर आलिया की बेटी भी मौजूद होंगी। सोर्सेस की माने तो सभी लोग सेट पर राहा को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। करण सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें राहा के साथ बहुत कम वक्त बिताने को मिला है। इससे पहले करण जौहर ने सोशल मीडिया पर कश्मीर की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में वो बर्फ के बीच नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्ट शेयर किया है, उसमें लिखा है, हमारी फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जिसे मैं 7 साल बाद डायरेक्ट कर रहा हूँ। गाना जो मेरे सबसे प्रिय फिल्म मेकर को श्रद्धांजलि है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। वीडियो में फिल्म के क्रू मेंबर्स एक हवाई जहाज में बैठे नजर आ रहे हैं। करण जौहर की इस मूवी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं, जबकि धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक जिस गाने की शूटिंग के लिए टीम कश्मीर जा रही है वो गाना यश चोपड़ा को समर्पित होगा और करण की फिल्म के इस गाने में आलिया बर्फ के बीच शिफॉन साड़ी में नजर आएंगी। मां बनने के बाद आलिया भट्ट पहली बार आउटडोर शूटिंग के लिए निकली है। वहीं उनके साथ नन्ही सी राहा कपूर भी है। जाहिर है कि आलिया अपने साथ बेटी की नानीज भी ले गई हैं, जो शूटिंग में बिजी आलिया की बेटी का ध्यान रखेंगी। बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल 2022 को गुपचुप तरीके से परिवार और दोस्तों के बीच प्राइवेट वेडिंग की थी। नीतू कपूर ने बताया था कि एक फ्लोर से बारात दूसरे फ्लोर पर गई थी। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बज रहे थे और सब डांस कर रहे थे। इसके बाद 6 नवंबर 2022 में ही एक्ट्रेस ने बेटी राहा को जन्म दिया था। जून 2022 में उन्होंने प्रेगनेंसी की बात पब्लिक की थी, जिसके बाद तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी। लोगों ने ये तक कह दिया था कि प्रेगनेंसी की वजह से रणबीर आलिया ने आनन फानन में शादी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।